नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STC क्लासेस बाय शत्रुघ्न सर में। दोस्तों, आप लोग इस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे जिस एग्ज़ाम का मैं चर्चा कर रहा हूं, और कुछ लोग जो हैं तैयारी नहीं भी कर रहे होंगे, तो उनके लिए एक जो है जानकारी है इस वीडियो में कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा होगा, पेपर का लेवल कैसा होगा। BPSC एग्ज़ाम कराएगी, यहाँ पर तीन तरह के शिक्षक हैं, और इसमें भी जैसे माध्यमिक शिक्षक हैं तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के शिक्षक हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक है इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के शिक्षक हैं, पहले से नियोजित शिक्षक हैं, और नए जो बहाल होंगे वे भी इस तरह का शिक्षक बहाल होंगे, और ये जो प्राथमिक वाले हैं तो ये तो सामान्य शिक्षक होते हैं, इनके लिए तो सेम पेपर रहेगा, इसमें सब्जेक्ट तो होता नहीं है। तो कहने का मतलब कि ये तीन तरह के जो शिक्षक हैं इसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट वाले शिक्षक हैं, तो BPSC क्या सभी के लिए एक ही एग्ज़ाम कराएगी, ये सवाल आप ही लोगों के द्वारा पूछा गया है कमेंट में। तो अब आप सोच सकते हो कि कोई उच्च माध्यमिक का है जो 10+2 में शिक्षक है, पहले से नियोजित शिक्षक है, उनको भी एग्ज़ाम देना है, साथ ही साथ जो है हम लोग जो नए कैंडिडेट हैं उनको भी एग्ज़ाम देना है ना। तो अब बताइए, एक प्राइमरी वाला है और एक उच्च माध्यमिक वाला है, मतलब 10+2 वाले हैं, तो ये दोनों का एक ही पेपर होगा क्या, ये हो सकता है, आप खुद सोचिए। जी नहीं होगा। BPSC जो एग्ज़ाम लेने वाले, BPSC के सामने एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज है इस एग्ज़ाम को कराना। आप सोच सकते हैं कि माध्यमिक में या उच्च माध्यमिक में कितने अलग अलग सब्जेक्ट के शिक्षक होते हैं, है ना, तो उनका जो है उनका लेवल के हिसाब से पेपर होना चाहिए। कोई हिस्ट्री का शिक्षक है तो क्या हिस्ट्री वाले शिक्षक कंप्यूटर वाले शिक्षक एक यहाँ पर होंगे, या उनके लिए बहाली जो अभी प्रक्रिया है, तो क्या दोनों सेम पेपर देंगे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। कैसे संभव है? ऐसा हो सकता है कि पेपर में कुछ जो सिलेबस है सेम हो सकते हैं, लेकिन जो उनका पेपर जो सब्जेक्ट का शिक्षक है ना उनसे जो है उनका ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा हो सकता है। जैसे ये हिस्ट्री का है, 9th 10th में एक जो हिस्ट्री का शिक्षक है तो उनको हिस्ट्री से कुछ ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सकता है, ये हो सकता है। कोई केमिस्ट्री के हैं या केमिस्ट्री का शिक्षक बहाल करना है नया। अब देखिए, यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा चेंजिंग हुआ है ना कि जो पहले से नियोजित शिक्षक है ना उनको भी एग्ज़ाम देना है, नए जो अभ्यर्थी हैं उनको भी वही पेपर देना है, दोनों सेम मतलब एक साथ में बैठेंगे, दोनों एक ही पेपर देंगे। तो यही हो जाता है कि कोई केमिस्ट्री का शिक्षक है और केमिस्ट्री का और नए शिक्षक हमको बहाल करना है, अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वे दोनों से तो सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप सोच सकते हैं। और कोई मान ले जाए कि पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं पहले से, और कोई नया शिक्षक भी बहाल होना है, तो दोनों का तो पेपर सेम ही होना चाहिए ना। तो कितना बड़ा चैलेंज है BPSC के पास, आप सोच सकते हैं। इसमें प्राइमरी में कोई झोल नहीं है, प्राइमरी सामान्य शिक्षक होते हैं प्राथमिक वाले, और इनका जो है पेपर सेम रहने वाला है। जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए भी, जो प्राइमरी में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए भी ये सेम पेपर मिलेगा, और इसमें कोई झोल नहीं, आराम से सभी जो अभ्यर्थी हैं नए शिक्षक अभ्यर्थी हैं वे एक ही पेपर देंगे, और बिल्कुल बिना परेशानी से इनका जो है चेक हो जाएगा, और आसानी से जो है इनका मेरिट उरिट। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, BPSC को देखते हैं कि ये कैसे करवाते हैं। दोस्तों, पेपर का एग्ज़ाम का लेवल अगर हम देखें, आज ही एक वीडियो जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, और गलती से मैंने भी अपने चैनल पे वो वाला वीडियो डाल दिया, नहीं डालना चाहिए था। वो PCS के एग्ज़ाम के लिए एक इंटरव्यू जो है BPSC का चेयरमैन दे रहे हैं, और उस वीडियो में कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट पूछूंगा। वे PCS के लिए इंटरव्यू था, और मैं बिना सोचे समझे जो है डाल दिया व्यूज के चक्कर में, है ना। वीडियो किस लिए डाला जाता है व्यूज के चक्कर में, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं अपने चैनल पर जो है ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ, गलत सलत नहीं, और वे गलती से जो है हमसे डाला गया। अब देखते हैं कि पेपर का लेवल किस टाइप का चेंजिंग होगा। देखिए, प्राइमरी वाले का तो एक सेम सिलेबस होना चाहिए, होगा भी। जैसे अगर मैथ की बात करते हैं तो या तो CTET वाले मैथ पूछेंगे, जैसे हम लोग CTET में एग्ज़ाम दिए थे, 15 क्वेश्चन जो है नोमेरिकल का था, अब 15 क्वेश्चन जो है पेडागोजी के था। तो अगर CTET वाला रहा तो ज़्यादा चांसेस है उसका, अगर जनरल मैथ रहा तो वही जनरल मैथ जो हम लोग पढ़ते थे,
रेलवे एसएससी बैंक के कभी भी तैयारी किए होंगे आप लोग, जब शुरू शुरू आए होंगे कंपटीशन में तो जनरल में जरूर पढ़े होंगे, जैसे संख्यापत्ति, सरलीकरण, लसमसा, प्रतिशत, लाभ हानि, औसत, इस तरह का काम समय, बहुत सारे चैप्टर है जो कि समान सिलेबस में आता है। काम समय हो गया, रेलगाड़ी हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, सांख्यिकी, है ना, इस तरह का वो जनरल जो होते हैं। तो जनरल सिलेबस अगर मैथ में पूछेगा या तो आपका सीटेट वाला, ये दोनों का ही चांस होता है और दूसरा कोई चांस नहीं होता है पूछने का। और ये उम्मीद भी है कि 15 से 20 क्वेश्चन जो है मैथ का रहेगा ही रहेगा, ये आप मान के चलिए। और ये प्राइमरी वाले के लिए हम बोल रहे हैं, प्राइमरी का जो सिलेबस आएगा वो तो सिलेबस आएगा तो देखना ही है, और बहुत जल्द ही देखने के लिए आपको मिलेगा। और दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है ना, अब रेगुलर होने वाला है, समझिएगा। रेगुलर, रेगुलर का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि अब जो है ये हर साल कराएगी। क्योंकि देखिए आप सोच लीजिए कि बहुत सारे समस्याएं हैं, ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में क्या समस्या है कि भाई अभी कॉमर्स का सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था और कुछ सेंटरों का रद्द किया गया था, तो कॉमर्स वाले उतना अभ्यर्थी इसमें नहीं मिल पाएंगे अगर अभी लिया जाए तब। अगर कॉमर्स वालों का एग्ज़ाम लिया जाएगा, अब बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज शिक्षक हैं जो अलग अलग उर्दू, फारसी वगैरह वगैरह का, उसका सीटेट का एस्टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि एस्टेट पेपर टू पास होता है तो उच्च माध्यमिक के लिए शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल होते हैं, और पेपर वन पास होते हैं तो माध्यमिक के लिए शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो एस्टेट में बहुत सारे सब्जेक्ट होता है, एस्टेट में, तो एस्टेट में बहुत सारे कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जिसका अभी तक हुआ नहीं है। 2011 में सभी विषयों के लिए एस्टेट हुआ था, लेकिन 2019 में जो हुआ है सभी विषयों के लिए नहीं हुआ था, जैसे कॉमर्स हो गया, उर्दू हो गया, फारसी हो गया, ये सभी का एस्टेट नहीं हुआ था उस समय 2019 में। तो अब कहने का मतलब ये जो बहाली, ये जो एग्ज़ाम निकलेगा तो ये रेगुलर होना ही चाहिए, ताकि अभी निकलेगा जो भी एलिजिबल है भरेगा, फिर अगला साल फिर निकलेगा इधर एस्टेट फिर से होगा तो फिर वे लोग भी भरेंगे। रेगुलर करना ही पड़ेगा बीपीएससी को, नहीं तो अभी बहाली में बहुत लेट हो सकता है। अगर रेगुलर आएगा तो कोई लेट नहीं होगा, अभी तुरंत देखने को आपको मिलेगा जो भी एलिजिबल है, प्राइमरी, माध्यमिक, जितने भी अभी एस्टेट, सीटेट, बीटेट पास है वे लोग भरेंगे। फिर से अगला साल आएगा तो फिर से इधर सीटेट होगा, इधर एस्टेट होगा, इन लोगों ही भरेंगे। तो अब संभावना यही बनता है कि जो बहाली है ना वे रेगुलर आने की चांसेस है, रेगुलर आना ही चाहिए। क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम होगा, अगर पेपर का लेवल किसी को समझ में नहीं आएगा ज़्यादातर, तो उनका सीट जितना खाली है उतना कैंडिडेट उनको मिल नहीं पाएगा, सीट खाली रह जाएगा। आप सोच सकते हैं, मान लीजिए कि देखिए प्राइमरी में 80,000 है, खाली है 80,000 पद है, जिसमें 50% महिलाओं के लिए है, 40,000, ठीक 40,000। अब 40,000 महिला लोग बैठेंगे इस एग्ज़ाम में, तो क्या 40,000 महिलाओं के लिए क्या ये सीट 40,000 पास हो जाएंगी महिलाएं? या तो 40,000 पुरुष ही हैं तो पुरुष पास हो जाएंगे, अगर पास हो जाएंगे तभी तो 80,000 ये सीट फुलफिल होगा, समझने वाली बात है। अगर सीट खाली रह गया तो फिर से बीपीएससी रेगुलर इसको लेना पड़ेगा, फिर अगला साल निकालना पड़ेगा और फिर से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये रेगुलर आना ही चाहिए, और अलग अलग सब्जेक्ट का हो सकता है कि पेपर अलग अलग आए, नहीं आएगा तो फिर झोल झमेला वहीं हो जाएगा कि भाई अब कोई मान लिया जाए कि केमिस्ट्री का शिक्षक है और कोई हिस्ट्री का शिक्षक है, मान लिया जाए दोनों एक ही पेपर कैसे देगा, ये सोच सकते हैं आप लोग। तो अलग अलग लैंग्वेज शिक्षक, अलग अलग सब्जेक्ट शिक्षक का के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होना संभव है, और प्राइमरी के लिए एक ही रहेगा ये संभव है। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही जानकारी, और यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथ का मैं स्पेशल वीडियो इस चैनल पर लाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी दो वीडियो अपलोड किया हूँ, नंबर सिस्टम का और उसमें एक विभाजिता का नियम, और दूसरा जो मैंने बताया है, हाँ, स्थानीय मान, जातीय मान और अंकित मान, ये सब ज्ञात करने के लिए कंसेप्ट बताया था। हालांकि उसमें 5 टाइप अभी और बच रहा, जैसे इकाई अंक ज्ञात करना, भाग संक्रियाएँ होती है, उसके बाद बोर्ड मास का रूल भी, ये सारा चीज़ जो है उसमें बताना है बाकी है अभी। तो मैं रेगुलर चाहूँगा कि वीडियो लाऊं, और आप लोग यदि इस चैनल पे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अरे तो बहुत सारे चैनल हैं भाई,
तो इस वीडियो में इतना ही जानकारी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।